तो कल पूरे दिन योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात और बातचीत की और आज दूसरे दिन भी मुलाकातों का दौर जारी है। सूत्रों की माने तो दिल्ली में अगली सरकार के कैबिनेट की पूरा खाका तैयार किया जा रहा है। लखनऊ विजय के बाद दिल्ली में आला कमान के साथ मंथन का दौर चल रहा है। अगले 5 साल तक सरकार चलाने का रोड मैप बनाने के लिए बड़े बड़े नेताओं के साथ योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में मीटिंग चल रही है। दिल्ली प्रवास के दूसरे दिन भी योगी आदित्यनाथ कई बड़े नेताओं और मंत्रियों से मुलाकात करने वाले हैं। सुबह 9:30 बजे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे। सुबह 10:15 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे। दोपहर 1:30 बजे यूपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मिलेंगे योगी। इसके अलावा अनुराग ठाकुर से भी मिलेंगे योगी आदित्यनाथ। तो योगी की बैठकों के इस दौर के बीच प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल भी आज लखनऊ से दिल्ली पहुंचने वाले हैं। माना जा रहा है कि स्वतंत्र देव सिंह इस बार डिप्टी सीएम की रेस में हैं। कौन डिप्टी सीएम और कौन सीएम का सिपह सालार बनेगा, यही सब तय करने के लिए योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर है। कल का दिन और बड़ा था जब योगी ने शानदार जीत के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचकर बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात और योगी 2.0 की नीतियों पर बात की। रविवार को योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री राजनाथ सिंह और संगठन मंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की। योगी ने पीएम से करीब 1.25 घंटे तक बातचीत की और उन्हें शपथ ग्रहण समारोह में आने का औपचारिक न्योता दिया। सूत्रों के मुताबिक लखनऊ में योगी के दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण की तारीख तय हो गई है। खबर है कि 20 या फिर 21 मार्च को यूपी में योगी सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। मुख्यमंत्री के साथ 57 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। 22 से 24 कैबिनेट मंत्री और 7 से 9 स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री हो सकते हैं। शपथ ग्रहण के बाद योगी सरकार पर बड़े जनादेश के साथ आई बड़ी उम्मीदों को पूरा करने की भी चुनौती होगी। इसलिए माना जा रहा है कि आला कमान के साथ मुलाकात में योगी ने चुनाव प्रचार में किए गए कई अहम वादे और मुद्दों पर भी चर्चा की है। मसलन आवारा पशुओं की समस्या, किसानों की सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली या फिर होली दिवाली पर गरीबों को मुफ्त सिलेंडर देना। ABP News, आपको रखे आगे।